हेलो बच्चों, मेरा नाम राज, आपका स्वागत है। ये बीएससी सेमिनार संस्कृत शिक्षण में आज अपना गुरुवार है, सॉरी बुधवार है, बुधवार का टर्न है और हफ्ते में एक बार अपनी क्लास लगती है। एक बार एसटीसी फर्स्ट ईयर की आती है, एक बार एसटीसी सेकंड ईयर की आती है। तो आज हम श्रव्य दृश्य साधन संप्रदाय में, श्रव्य दृश्य साधन संप्रदाय यानी श्रव्य और दृश्य साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो एक शिक्षण कराया जा रहा है और इस शिक्षण में कहीं ना कहीं सुधार चला आया और इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया। हर शिक्षक अपना शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है, कोई ना कोई प्रक्रिया या कोई कोई गतिविधि को अपनाता है जिससे क्या शिक्षण प्रभावशाली हो, शिक्षण सुचारू रूप से हो, शिक्षण में रुचि करो, शिक्षण चिरस्थायी हो। इसलिए कहीं ना कहीं अपने शिक्षण में आपके मतलब के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करने से शिक्षण बच्चों को जल्दी समझ में आता है और एक शिक्षक को भी शिक्षण को या किसी स्कूल को समझाने के लिए एक आसान माना जाता है। तो उन सभी को शिक्षण सामग्री कहा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी शिक्षण जो पढ़ाया जाता है उसके साथ में जो सामग्री उपयोग में ली जाती है उनको ही शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अब शिक्षण सहायक सामग्री भी तीन प्रकार की होती है, जो एक तो होती है आंखों से सुनने और देखने वाली और एक कानों से सुनने वाली और एक होती है कानों और आंखों से दोनों से सुनने वाली। तो हम तीन प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। पहला है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन और तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन। यानी शिक्षण सामग्री को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अब श्रव्य यानी जो सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हो, केवल सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हो उनको हम श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है और दृश्य साधन जिनको आंखों से देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है या शिक्षा अर्जित की जाती है उनको हम दृश्य साधन कहते हैं। अब ये दृश्य श्रव्य साधन जो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं यानी ऐसे साधन जिनको देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उनको श्रव्य और दृश्य साधन कहा जाता है। मैं आपसे संस्कृत में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। ऐतानि तानि साधनानि यानि दृष्ट्वा बालकः तत्रया शिक्षणे सहायता प्राप्नोति। यानी ऐसे साधन जिसको देखकर बालक शिक्षण प्राप्त करता है, शिक्षण यानी शिक्षण प्राप्त करने में सहायता करता है। ऐसे साधन जो शिक्षण प्राप्त करने में जो बालक देखकर शिक्षण प्राप्त करने में उन्हें सहायता करते हैं उन सभी साधनों को क्या कहते हैं, दृश्य साधन। जो देखकर ऐसे साधन जिनको देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती हो उनको क्या कहते हैं, हम दृश्य साधन कहते हैं। जैसे श्यामफल, ये श्यामफल हम देख के श्यामफल को बोलते नहीं है, सिर्फ देखकर हम उसको ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लपेट फल श्यामफल में जैसे अपन लपेट फल होता है ब्लैक कलर का होता है, इसको हम रोल करते हैं, आप भी उपयोग कर लेते हैं, आप जिससे स्कूल में पढ़ाते हो वहां पर रहते होंगे। मानचित्र जैसे अपन ग्राफ होते हैं, मानचित्र होते हैं भारत का नक्शा, इंडिया का नक्शा, सॉरी संसार का नक्शा, राजस्थान का नक्शा, श्रीलंका का नक्शा, इनको देखकर हम एक अनुमान लगाते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ है। प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल, जैसे बहुत सारे मॉडल होते हैं उस मॉडल को भी देखकर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। चित्रानी, चित्र को जैसे कोई सुनहरी चित्र है, कोई हाथी का चित्र है, कोई गाय का चित्र है, कोई मशीन का चित्र है, उस चित्र को देखकर भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद में रेखा चित्र होता है पाठ्य पुस्तकालय, अब पाठ्य पुस्तक को भी देखकर, पाठ्य पुस्तक को अपने आप में बोलते नहीं है, जिसको सुनकर हम क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम उसको देखकर पढ़कर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं। पत्र पत्रिका, अखबार, मैगजीन, ऐसी बहुत सारी किताबें जिनको पढ़कर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। संग्रहालय, जहाँ पे किताबें पढ़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है,
बहुत सारी पुरानी चीजें होती है, बहुत सी आधुनिक चीजें भी होती है, जिनको देखकर बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करता है, अनुभव करता है। प्रभुतः साधन समाहित, ऐसे सभी साधन इस सभी दृश्य साधन में समाहित होते हैं। यानी दृश्य साधन का मतलब होता है कि जिनको देखकर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उन सभी साधनों को हम क्या कहते हैं, दृश्य साधन। श्रव्य साधन वे साधन जिनको सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हो, सुनकर ज्ञान अर्जित करते हो, सुनकर अनुभव अर्जित करते हो, उन सभी साधनों को हम क्या कहते हैं, श्रव्य साधन कार्य। एकानि साधनानि पाठ्यपुस्तकस्य अवो सुदाचरण आदर्शवाचने च उपायदाय भवति। यह साधन पाठ्यपुस्तक के अवोध और शुद्ध चरण आदर्श वचन, शुद्ध चरण और आदर्श वचन में उपयोगी होती है। मतलब एक ही श्रव्य साधन का मतलब है सुनकर, यानी जो भाई शिक्षक के द्वारा जो बोला जाता है, एक रेडियो के द्वारा बोला जाता है, टीवी के द्वारा बोला जाता है, तो उनको सुनकर हम वापस रिप्लाई देते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने एक शुद्ध चरण और आदर्श वचन में एक सुधार होता है, उसमें उपयोगी होती है। अब इसमें कौन कौन से साधन है, जैसे आकाशवाणी, आकाशवाणी का होता है रेडियो, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन अपन कान में लगा के सुनते हैं, जिसको बोलते हैं एयरफोन या हेडफोन। भाषा प्रयोगशाला ऐसे लैंग्वेज रूम होते हैं जहां पर आपने भी देखा होगा, महाविद्यालय में स्कूलों में एक लैंग्वेज रूम अलग से होते हैं हिंदी संस्कृत के, जो कान में लगाकर जो बोलते हैं उनको रिपीट आंसर मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे वो कर लेते हैं।
अगला विषय हम अगले महीने पढ़ेंगे।